हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल इज वेल। तो गाइस, अभी यहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं। हाँ, मैं दोस्तों मम्मी है, ये देखिए मम्मी को अपना सूप वगैरह पी रही है, देख लीजिए सूप वो ली होंगी, हाथ में दिख रहा होगा। और सिस्टर है दोस्तों सूप, ये देखिए हम आपको दिखा भी देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये सूप रहा, आप देख लीजिए, ये सूप है, आपको दिख रहा होगा शायद, इसको सूप बोलते हैं, यानी कि सूप टाइप का ही है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि मतलब तबीयत इस समय ठीक नहीं थी लोगों की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसी कारण सभी लोग पी रहे हैं। और फिलहाल के दोस्तों, आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि इस समय आपके भाई की वीडियो बहुत कम जा रही है यूट्यूब पर। हम मतलब बहुत ज़्यादा गैप कर देते हैं, कहीं कहीं 4 दिन तो कहीं 5 दिन, इतना गैप दोस्तों अच्छा नहीं है, लेकिन इतना गैप दोस्तों हो जाता है क्योंकि वीडियो तैयार ही नहीं कर पाते हम, और दोस्तों कहीं निकलते नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपको पता ही होगा जो मतलब रहते हैं गाँव वगैरह में, गर्मी इतना तेज़ है कि क्या बताएं। और इसीलिए दोस्तों हम वीडियो अपना कहीं शूट करने नहीं जा पाते और कहीं वीडियो नहीं बनाते, बाकी की घर पर ही हैं और दोस्तों ज़्यादा निकल नहीं पाते, इसलिए घर का ज़्यादा शूट नहीं करते। फिलहाल के दोस्तों शूट से भी फटाफट से फिनिश करते हैं और इसके बाद आपसे मिलते हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए पहले इस सूप को फिनिश कर लेते हैं। तो गाइस, चलिए अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि हम वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे। मेन रीज़न तो ये एक टॉपिक हो गया दोस्तों कि हम वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे। दोस्तों वो रीज़न कुछ खास नहीं है, क्योंकि यूट्यूब हमें उस तरीके से ग्रो नहीं करवा रहे, हमारी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक नहीं भेज रहा है और उस तरीके से अब दोस्तों काम करने भी मन नहीं लगता। जब आपको कहीं बेटर रिजल्ट नहीं मिलता तो आप उस तरीके से फोकस नहीं कर पाते किसी भी काम को लेकर। जैसे आप मान लीजिए कोई भी काम आप कर रहे हो और आपको उसमें रिज़ल्ट बेटर नहीं मिल रहा है, तो आप 100% मैं ये श्योर हूँ कि आप उस काम में विचलित हो जाओगे और मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको उस काम में मज़ा नहीं आएगा। तो यही सब बात थी कि हम वीडियो नहीं बनाए थे। और एक बहुत ख़ास रीज़न भी है, वो रीज़न ये है कि दोस्तों मुझे मतलब ये बताऊं कि ना बताऊं, ऐसे बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी मुझे वो पब्लिश करने का परमिशन नहीं मिला है, क्योंकि ऐसी न्यूज़ को पब्लिश नहीं किया जाता दोस्तों। बहुत मतलब बड़ी विपत्ति है जो कि भगवान ने उनके साथ बहुत गलत किया, और मतलब क्या बोलें, मतलब बोल शब्द ही नहीं है दोस्तों। एक बहुत बड़ी दुखद समाचार है, सैड न्यूज़ समझ लीजिए, बहुत ही बड़ी सैड न्यूज़ है। बस यही सब मेन कारण थे जिससे आपका भाई वीडियो नहीं बना रहा था। मतलब अब अच्छा भी नहीं लगता कि दोस्तों को किसी के ऊपर विपत्ति है और हम अपनी वीडियो को बनाएं, लेकिन दोस्तों कब तक काम को रोकेंगे? एक दिन रोकेंगे, 2 दिन 4 दिन, बस कितना रोकेंगे? काम तो करना भी पड़ेगा ना दोस्तों। तो वही सब है कि मतलब अब मन नहीं लग रहा था तो गैस, और मतलब बहुत ज़्यादा मैं भी दुखी था, बहुत ही ज़्यादा दुखी था, तो इसलिए दोस्तों वीडियो नहीं बनाया था। पुरानी वीडियोज़ जो पड़ी वगैरह थी, जो पड़ी थी बनाई थी, तो उन सबको पब्लिश कर दिया, लेकिन दोस्तों अभी ये न्यूज़ को मैं पब्लिश नहीं करूँगा। क्या बहुत बड़ी सैड न्यूज़ है, बस इतना जान लीजिए कि मैंने एक अपना बहुत अहम हिस्सा खोया है, बस ये समझ लीजिए कि मैंने अपना एक बहुत अहम हिस्सा खो दिया है। मैं खुद ने अपना एक बहुत अहम हिस्सा खो दिया है, बाकी के अभी वो बातों को नहीं बताऊँगा। और यही सब बात है गाइस कि इसीलिए आपका भाई वीडियो नहीं बना था। आपके भाई के चेहरे से ही लग रहा होगा कि आपका भाई सैड है, बताते हुए भी मुझे दोस्तों बहुत ज़्यादा दुखी महसूस हो रहा है कि मैं कैसे बोलूं, बाकी की सब बातें हैं, इसलिए आपका भाई वीडियो नहीं बना रहा था। और मतलब बहुत बड़ी रीज़न निकल जाती है एक वीडियो को ना बनाने में, लेकिन अभी उसे पब्लिश नहीं करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ फोर्स मत कीजिएगा कि आप लोग में कमेंट मत कीजिएगा कि भाई बताओ बताओ, बाकी के यही सब कारण है। अभी दोस्तों यहीं पर घर के बाहर निकले हुए हैं, हमने कहा घर के अंदर बनाएंगे तो वीडियो उतनी अच्छी नहीं आती, मतलब कलर ग्रेडिंग वगैरह अच्छी नहीं रहती, तो इसलिए दोस्तों बाहर निकले हैं। बाकी की बताइएगा आपको मौसम कैसा लग रहा है आसपास का। तो चलिए फटाफट से दोस्तों अब नहाते वगैरह हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं और इसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर शाम को। तो गाइस, शाम के बज रहे हैं 5 और इस समय दोस्तों आपका भाई जा रहा है मार्केट, और मार्केट दोस्तों हम जा रहे हैं, मोबाइल का जो डेटा पैक है दोस्तों हमारे मोबाइल का वो समाप्त हो चुका है, तो चलिए उसको आज पैक में रिचार्ज करवाते हैं और दोस्तों जाएंगे मार्केट, तो रिचार्ज तो करवा लेंगे, क्योंकि रिचार्ज रहता है दोस्तों तो वीडियोस लोगों की वीडियोस पे भी जा पाते हैं। आज किसी की वीडियो पे नहीं गए तो क्योंकि सुबह से ही ख़त्म हो गया था और हम सुबह डलवा लेते, लेकिन दोस्तों गए ही नहीं मार्केट, क्योंकि धूप के कारण नहीं जाते, कहीं बाहर ही नहीं निकलते, तो इसलिए नहीं गए। तो चलिए फटाफट के पास रिचार्ज करवाते हैं और रिचार्ज करवाने के बाद आपसे वहीं पर मिलते हैं या तो फिर घर आने के बाद मिलते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस, फाइनली आपका भाई घर आ चुका है दोस्तों, और जो हमारा रिचार्ज था वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया, यानी रिचार्ज हमारा हो गया। तो इस समय दोस्तों घर पर आ चुके हैं और इन जामुन की डालियों के नीचे मतलब हैं, क्योंकि दोस्तों आपको हम दिखा दें, एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाएँगे। तो गाइस आप देख लीजिए,
ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कहीं कहीं जामुन हमारी पक रही है, ये देखिए कहीं कहीं दोस्तों जामुन हमारी पक रही है, आप देख सकते हो, ये देखिए कहीं कहीं पक रही है, अभी ये पूरी तरीके से पकी नहीं है, कहीं कहीं पक रही है, धीरे धीरे पक जाएगी, तो जामुन जल्दी पक रही है। तो यहीं आए थे दोस्तों, आनंद ले रहे थे इन जामुनों के नीचे और डाल के नीचे, काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों दोपहर के समय जब मतलब गांव में लाइट नहीं रहती, आपको पता है जब लाइट नहीं रहती दोस्तों तो यहाँ पर आते हैं, काफ़ी शीतल हवा चलती रहती है क्योंकि जामुन और दोस्तों छाँव रखता है और काफ़ी ठंडा हवा हमें देता है, तो इससे काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी तो नहीं क्योंकि अभी तो 6 बज चुके हैं, और चलिए फटाफट से अब यहीं पे घूम टहल लेते हैं क्योंकि अब शाम भी हो चुकी है। और दोस्तों आज इसी के साथ हम करना चाहेंगे इस ब्लॉग को एंड, और हाँ दोस्तों हम रात में नहीं कर पाते तो इसी टाइम कर देते हैं। फिलहाल के लिए आप कमेंट में बताइएगा आज का ये सारा ब्लॉग जो भी जानकारी थी, कुछ खास था नहीं लेकिन हाँ जो भी था आपको हम बता दिए कि हम वीडियो ना बनाने का कारण एक बहुत बड़ा कारण है, जब कभी उस चीज़ की परमिशन मिल जाएगी तो आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए कर रहे हैं यहीं पर इस ब्लॉग को एंड, आई होप सो आज का यह ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट भी बताइएगा आज का यह पूरा सीन आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट प्यारे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।